ओके सो गाइस, नए दिन की शुरुआत के साथ आज हम जा रहे हैं कुछ लोकल पॉइंट्स कवर करने के लिए इन गैंगटॉक सिक्किम। सो ये हमारा दूसरा दिन है गैंगटॉक में। कल के दिन हम लोग ने कुछ दूर दूर के पार्ट्स कवर कर लिए थे, आज नज़दीक के पार्ट कवर करेंगे। आज तो 31st भी है, तो आज रात को यहाँ पे डीजे वगैरह भी होने वाला है। सो अभी हम निकलेंगे आज से कैब में लोकल पॉइंट्स कवर करने। सो गाइस, आज का हमारा पहला पॉइंट आ चुका है जो कि है ताशी व्यू पॉइंट। सो ये हमारा होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट यू नो 15 मिनट्स का ड्राइव था और हम पहुंच गए फर्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस, यही है पॉइंट, ये दिख रहा है, ये है ताशी व्यू पॉइंट। सो छोटा सा एक यू नो आइडिया देता हूँ कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है गाइस। ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। सो गाइस, यहाँ पे ना सोवेनियर शॉप है, तो आप यहाँ से जो भी चाहिए रिलेटेड टू सिक्किम आप खरीद सकते हो। यहाँ का प्राइस मैंने जितना पता किया है, जितना हमने वहाँ पे देखा था दार्जिलिंग से, वहाँ से तो ट्वाइस बोल सकता हूँ मैं। बाकी सी दिस इज द प्लेस। यहाँ पे ना टेलीस्कोप भी है, सो इफ़ यू वॉन्ट 20 rupees पे करके आप इसमें से भी व्यूज देख पा सकते हो। अभी आप लोग को एक्चुअल वाला पॉइंट दिखाता हूँ, जहाँ पे आप खड़े रह के अच्छा खासा पोज वगैरह दे सकते हो। सी इस बार अपने पब्लिक है, सेम ग्रुप के। बाकी व्यू पॉइंट से यही सब व्यू दिखाई देता है। सी तो ये प्लेस के पीछे ना शायद कुछ तो है, गार्डन जैसा है, वो भी देख लेता हूँ थोड़ा क्या है। क्योंकि आप एक छोटा सा ऐसा देखो जाने का रास्ता दिया था, तो सोचा देख लेता हूँ क्या है। कुछ नहीं था गाइस यहाँ पे, बस इतना ही था। सी छोटा सा प्लेग्राउंड जैसा था, नथिंग एल्स। सो गाइस, यहाँ पे ना एक शॉप दिखा है, कैफे 6000 आर्मी शॉप। तो आर्मी सोवेनियर शॉप है, यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली कम प्राइस में सोवेनियर दिखाई दिया था। सो वापस जाते हैं हम हमारे गाड़ी में, चलो। दूसरा पॉइंट पहुंच गया गाइस, प्लांट कंजर्वेशन फैक्ट्री करके। वहाँ पहुंचने से पहले देखो यहाँ पे इतने का स्टॉल्स वगैरह दिया है, और हमें जाना है वहाँ से ऊपर की तरफ, वहाँ पे है फैक्ट्री। सो चलिए चलते। बाकी यहाँ पे स्टोर्स वगैरह दिया है, आप चाहिए तो यहाँ से भी खरीद सकते हो। एक बार देखूंगा, पहले अंदर जाके देखता हूँ कि क्या है। तो गाइस ये है फैक्ट्री, सी वहाँ पे लिखा है प्लांट कंजर्वेशन कंजर्वेटरी। सो बेसिकली फैक्ट्री ऐसा कुछ है। सी एंट्री लेते ही यहाँ पे कुछ प्लान्स दिया है हमें, एंड ओके आई गेस यहाँ पे एंट्री फी वगैरह है। हाँ एंट्री फी है यहाँ पे, यहाँ पे एंट्री फी वगैरह दिया है 20 rupees पर पर्सन, एंड बिलो 5 फ्री है। सो बेसिकली फैक्ट्री है, और यहाँ पे है इसका कैफेटेरिया, एंड आई गेस यहाँ से ऊपर जाना है हमें।
सो गाइस यहाँ से एंट्री टिकट तो ले लिया, जस्ट 20 रुपीज़ का था, सोचो चलो देख लेते हैं। सो आई गया तो कंटेंट तो बनना पड़ेगा, राइट। सी तो कुछ प्लान्स दिया है, ऐसा ऐसे तो समझ में नहीं आएगा हमें, क्योंकि हम तो कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, बट ये एरिया काफ़ी पीसफुल है। सी कुछ फ्लावर्स वगैरह दिया है यहाँ पे विद देयर यू नो नाइम, अच्छा है ओवरऑल, मेरे को तो बहुत सही लगा। ये रोडोडेंड्रोन भी है यहाँ पे। सी ये हम लोगों को आप दिखा था अपना उत्तराखंड में दिखा था। मस्त है भाई, यहाँ पे फोटो लेने के लिए अच्छा जगह है, बाकी है तो छोटा ही प्लेस, इसे प्लांट नर्सरी एक्चुअली। हमको ये सब डिस्कस ही नहीं करना है। सी एक आइडिया दिखाता हूँ कि कैसा है। इतना ही है बाय द वे, ये मस्त अच्छा खासा बैठने को दिया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे तो कोई प्लान का नाम फिलहाल तो नहीं दिया है, बाकी यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स है, डू नॉट प्लग भी दिया है। सी ये थ्रू आउट द लेन है, जो रूट जो जा रहा है उसके आसपास सब है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। सी फिर यहाँ पे पहाड़ जैसा दिया है, तो खड़े रह के आप फोटो ले सकते हो, और कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। हाँ ऊपर और है शायद, सिर्फ आप पे दिख रहे लोग, अच्छा वहाँ से भी आ सकते हो आप। ए सर कैंपल, देखो नाम वगैरह दिया है, रोडोडेंड्रोन इसका ना, जो फ्लावर दिख रहा है ना उसका जूस बहुत टेस्टी होता है, जो रेड कलर का जो दिख रहा है वो हम लोग ने लिया था जब उत्तराखंड के ट्रैक पे गए थे। तो बाकी है तो काफ़ी बहुत दूर है भाई, माहौल काफ़ी सही है यहाँ पे, मस्त ठंडी, इतना ठंडी नहीं है आज के दिन, वैसे शाम के 4 के बाद तो ठंडी लगने वाला है, बाकी ये है देखो ऊपर जाना है वहाँ पे, काफ़ी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस है, फोटोज एंड ऑल के लिए अच्छा है। यहाँ पे और फ्लावर्स है, वाह बहुत फ्लावर्स, क्या पता ऊपर और अच्छा व्यू मिलेगा, देख लेता हूँ ऊपर। ओ प्लान कंसर्वेटरी का एक फैक्ट्री जैसे बिल्डिंग दिया है, देखते इसमें क्या देखने को मिलता है। सी रोडोडेंड्रोन्स, ज़्यादातर तो यहाँ पे रोडोडेंड्रोन ही दिख रहा है। सी देखते इसके अंदर क्या है। ओ दिस इज इट गाइस, ये बहुत सही है, देखो प्लांट्स और उसका नाम दिया है, आई गेस यहाँ पे भी सेम ही दिया है, नहीं यहाँ पे अलग है। सो चलो इसके अंदर चलते हैं, वाह ना ग्रीन हाउस जैसा है। सी ऊपर की तरफ व्यू दिया है एंड आजू बाजू सब फ्लावर्स है। सी जैस्मिन पर्पल फर्स्ट ब्लॉक, ये तो सर कुछ समझ में तो नहीं आ रहा क्या है इसमें, बाकी नीचे जाता हूँ। कलर हो गया ना वो।
क्रिसेंथेमम का फ्लावर है आपके सी ये तो यूनिक दिख रहा है यहाँ पे, मैंने पहले बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। देखो उसका नाम ही है क्लेमेंट एसपी। प्लीज डू नॉट टच द फ्लावर्स, प्लीज डोंट डू इट। बाकी है तो बढ़िया भाई, कुछ भी बोल। मेरा काम रहने वाला है, फोन फिक्स कर लेगा। मैं कुछ नहीं तेरे को। वाह क्या लग रहा है वहाँ पे, एक और छोटा सा यू नो ये है पॉन्ड जैसा, देखता हूँ उसमें क्या है। अभी ना मोस्टली सब ड्रैगन ही दिखाया जाता है, देखो ड्रैगन। इतना फ्रेश है, ओ कोई फिश है वापस ही। एक दिखा बस, देखो एक उधर भी है। बाकी क्या है, पेटूनिया है। हो गया ऑलमोस्ट, इतना ही था। बाकी क्या, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कुछ है देखो, आइलैंड जैसा दिख रहा है, तो यह तो काफी सुंदर। ये मस्त लगता है ना ऐसा विथ रोड्स। हो गया ये भाई, तो टेरोडैक्टाइल जैसा लग रहा है, डायनासोर जैसा, बर्ड ऑफ पैराडाइज नाम भी दिया इसको। सो हो गया, इतना ही था यहाँ पे। बहुत देख लिया, अभी यहाँ से निकलता हूँ बाहर की ओर। बाहर का थोड़ा स्टोर्स वगैरह दिखाता हूँ कि क्या क्या देखने को है। सो मैं यहाँ का मार्केट दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कैप्स ले सकते हो, कुछ सनग्लासेस ऐसे भी चीज़ें ले सकते हो। ओके खाने का भी है ऑप्शन यहाँ पे, समोसा भी मिल रहा है सी। बाकी ऑरेंजेस, फ्रूट्स, सैलड्स, भाई बहुत कुछ है यहाँ पे तो सी स्टोर।